नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर जबलपुर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको वोटर आईडी के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। मान के चलिए आप 18 साल पूर्ण कर चुके हैं और आपको न्यू वोटर आईडी के लिए अप्लाई करना, तो उसी को लेकर हम ये वीडियो लाए हैं। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफाई पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको न्यू वोटर आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च कर लेना है। आपको गूगल का पेज खोलना है, गूगल पे सर्च करना है NVSP। आपको इस साइट पे आ जाना है, NVSP गूगल पे जाके आपको सर्च कर लेना है। इसका मतलब होता है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। तो हम NVSP सर्च करेंगे। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो ये जो पहली लिंक आएगी इसी पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर एज ए न्यू इलेक्टोर ऑब्लिक वोटर लिखा हुआ, लेकिन हमें इस पे हाइपरलिंक नहीं दे रहा है कि हम इससे अंदर जा सकें, मतलब इस लिंक को हम ओपन कर सकें, इधर नहीं दे रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना, तो इधर लॉगिन वाले सेक्शन में जाके हम लॉगिन बैक बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज ए न्यू यूजर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, कैप्चा और सेंड OTP डाल के आपके मोबाइल पे एक OTP आएगी, उस OTP को डाल को वेरीफाई करके और फिर एक पासवर्ड बना के यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर कर लेना। हम ऑलरेडी रजिस्टर हैं इसीलिए हम डायरेक्ट लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। एक नंबर से एक रजिस्ट्रेशन होगा, इसीलिए आप ध्यान से रजिस्ट्रेशन करिएगा। इसके बाद हम लॉगिन पे जाएंगे। जब तक आप लॉगिन पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपको न्यू वोटर आईडी बनाने नहीं देगा। इसके बाद हम यहाँ पे अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए हमारा जो आईडी पासवर्ड हमने बनाया है हम उससे लॉगिन हो जाते हैं। इसके बाद हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये हमको रजिस्टर एज न्यू इलेक्टर ऑब्लिक जो वोटर लिखा है इस पर हमको क्लिक करने देगा। साथ ही साथ आप एपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं किसी का, जे वोटर आईडी आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वोटर आईडी में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अगर वोटर आईडी में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप वोटर आईडी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि वोटर आईडी में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप यहां से वोटर आईडी भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम रजिस्टर एज अ न्यू वोटर और इलेक्टर में क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, नए मतदाता के रूप में आवेदन करें, प्रवासी मतदाता के रूप में आवेदन करें, मतदाता सूची में आपत्ति और नाम हटाने के लिए, ये सभी ऑप्शन दे रहा है। PDF में आपको निर्देश देखना है तो यहाँ आपको PDF मिल जाएगी। तो हम चलिए आपको निर्देश भी दिखा देते हैं। नए मतदाता परिचय बनाने के लिए जो निर्देश हैं वो भी हम दिखा देते हैं। हम ये PDF की लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ भी आपको ये लिंक मिल जाएगी। तो ये PDF है, इसमें दिया हुआ है कि आपको न्यू वोटर आईडी बनाने के लिए क्या क्या लगेगा। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके बाद हम आप नया वोटर आईडी बनाते हैं। तो इसके लिए प्रारूप 6 है, इस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा। फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो हम मध्य प्रदेश से, तो हमें यहाँ पे मध्य प्रदेश सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे जिला सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा सर्वर स्लो है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। यहाँ हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो भी क्षेत्र लगता है वो क्षेत्र डाल देंगे, जिस क्षेत्र की आपको वोटर आईडी बनाना, तो हम जबलपुर बेस्ट पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम डालना है। ध्यान रखिएगा आपका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में डाला है। तो यहाँ आपको इंग्लिश में डालना है, फिर इस बॉक्स में आपको हिंदी में डालना है। ये पहले की ये जो चार बॉक्स है जो इन इंग्लिश लिखा है, यहाँ पे आपको इंग्लिश में भरना है और यहाँ पे आपको हिंदी में भरना है। हिंदी में फॉर्म भरने में अगर आपको समस्या आती है तो साइट के टैब में आप गूगल इनपुट हिंदी टूल सिलेक्ट कर लीजिएगा और वहाँ से आप हिंदी में नाम लिखिएगा। गूगल पे जाके आपको गूगल इनपुट हिंदी टूल्स डालना है जी, गूगल इनपुट हिंदी टूल्स। तो इस पे जाके आपको जैसे ही आप इंग्लिश में करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से कॉपी करके और वहाँ पे आपको हिंदी में नाम को पेस्ट करते चले जाना है। जी देखिए, हम यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं। जी देखिए, हमने इंग्लिश में टाइप किया और ये अपने आप उसको हिंदी में कर दिया। तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, आप सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करना है और यहाँ पे जाके आपको कंट्रोल भी कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप ऑफ रिलेशन जो भी है वो सब भरते जाना है। फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर में आपके OTP आएगी। ध्यान रखिएगा अगर आपका मोबाइल नंबर किसी और की वोटर आईडी में रजिस्टर्ड है तो वो नंबर यहाँ पे नहीं डालें, क्योंकि आपको फिर वोटर आईडी डाउनलोड करने में दिक्कत जाएगी। इसीलिए यहाँ पे वही नंबर डालें जो किसी और की वोटर आईडी में रजिस्टर्ड नहीं हो। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ से भी आप हिंदी में नाम भर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप हिंदी में नाम भर सकते हैं। ये इस तरीके से आप हिंदी में नाम भर सकते हैं। कई बार वहाँ से कॉपी पेस्ट होने में दिक्कत जाती है तो यहाँ से भी आप नाम भर सकते हैं। तो अगर आपको नाम भरने में दिक्कत जाए तो आप यहाँ से भी हिंदी में नाम भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ आपको आधार नंबर डालना है, अपना जेंडर डालना, फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप अपनी 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं। आधार कार्ड भी डेट ऑफ बर्थ के लिए मान्य है। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी आप डेट ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे उसका यहाँ पे आप बाद में नाम डाल देंगे कि आपने जो भी लगाया है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा जो आप एड्रेस प्रूफ लगाएंगे उस एड्रेस प्रूफ को ही यहाँ पे आपको लगाना है। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के बाद आपको अपने फैमिली के किसी एक मेंबर का वोटर आईडी अनिवार्य है। आपके परिवार के किसी एक सदस्य की वोटर आईडी भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगी। तो यहाँ पे आप अपने मम्मी पापा या आपके कोई भी रिलेटिव हो, ये देख सकते हैं ये रिलेटिव हैं, तो आप किसी भी एक रिलेटिव की यहाँ पे वोटर आईडी डाल सकते हैं, वो आपको डालना अनिवार्य रहेगी। और इसके बाद आपको अपना यहाँ पे टाउन, विलेज, स्टेट ये सब सिलेक्ट करके आखिरी में आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पे जाके सबमिट कर देना। इसके बाद आपको जो एक नंबर मिलेगा उस नंबर का आपको प्रिंटआउट निकाल लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वोटर आईडी जल्दी मिल जाए तो उसके बाद आपको अपने एरिया के VLO से संपर्क करना है और अपने एरिया के VLO को वो नंबर बताना है, तो उससे वो उसको ट्रैक कर लेगा और ट्रैक करने के बाद आपकी वोटर आईडी उसके द्वारा बनाकर आपको दे दी जाएगी। कई बार ऑनलाइन में वोटर आईडी बनने में समय लगता है, तो आप अपने एरिया के BLO से इस फॉर्म को भरने के बाद संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जुड़े रहिए निखिल कंप्यूटर जबलपुर से। धन्यवाद।